हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस मेनिया। अब AFCAD के लिए बहुत कम समय रह गया है, सो यू नीड टू रिवाइज थिंग्स वेरी सिलेक्टिवली। हम यहाँ पे टॉप सीरीज लेके आए हैं स्पेशली फॉर AFCAD, जिसमें हम आज कवर करेंगे अराउंड 50 क्वेश्चंस विच इज़ हाईली आस्ड इन एग्ज़ाम्स। ठीक है, इन एग्ज़ाम्स के कॉन्सेप्ट्स को भी हम समझेंगे, इनके सराउंडिंग्स को भी समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने की पूरी संभावना है। आई एम प्रिटी श्योर कि इस आप वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद यू विल गेन लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री, और आप 90% से ज़्यादा क्वेश्चन इसी वीडियो को देख कर सॉल्व कर पाओगे। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द इंक्वायरी कमिटी ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट वॉज हेडेड बाई। ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर है, जिसको जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी कहा जाता है, ये हुआ था 1919 में। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ, क्योंकि बहुत घुमा घुमा के इससे क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट अबाउट दिस इज, ये एक 1919 में हुआ था। ये क्रोनोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपको अगर फेस्टिवल पूछे कौन से फेस्टिवल के दौरान ये हुआ था, तो द करेक्ट आंसर वुड बी बैसाखी। ठीक है, बैसाखी के दौरान ये हुआ था, कहाँ पे? अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में ये सारी घटना हुई थी। और रिस्पॉन्सिबल, ये ट्रूप्स को हेड किसने किया था? ट्रूप्स को हेड किया था जनरल डायर ने। और उनकी किलिंग जो थी वो बहुत बार पूछा जाता है, किलिंग किसने की थी? किलिंग की थी उधम सिंह ने। ठीक है, उधम सिंह ने। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो है रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपना नाइटहुड, यहाँ से मैं थोड़ा क्लियरली आपको बता दूँ, अपना नाइटहुड उन्होंने रिनाउंस कर दिया था अब आफ्टर दिस इंसिडेंट। ठीक है, ये बहुत बुरा वाला इंसिडेंट था हमारी हिस्ट्री में। तो यहाँ पे अब करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहाँ की जो कमिटी, ये इंसिडेंट हुआ था उसके बाद इसकी इंक्वायरी कमिटी बिठाई गई थी, जिनके हेड थे हंटर। ठीक है, सी हंटर कमीशन आया था। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज नॉट द लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, नॉट पूछा गया है। अब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये क्या है एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट? कांग्रेस जो थी, कांग्रेस से एसोसिएटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी दो चीज़ों में, दो डिपार्टमेंट्स में, जो कि है मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। हम पहले स्टडी कर लेते हैं कि कौन कौन से किस में आते हैं। ठीक है, मॉडरेट्स की बात करें तो इसमें है ए ओ ह्यूम, WC बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नारौजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, बद्रुद्दीन तायब जी और जस्टिस रनादे। ये सारे एक्सट्रीम मॉडरेट्स हैं। ठीक है, ये सारे हैं मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट्स की बात करें तो क्या, पहले तो फ़र्क बता दूं मैं आपको, क्या फ़र्क होता है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। जो मॉडरेट्स हैं वो जस्टिस चाहते हैं, वो डेवलपमेंट चाहते हैं, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, एक प्रॉपर इंडिया का सिस्टम चाहते हैं। जबकि एक्सट्रीमिस्ट है, उनकी डिमांड है स्वराज, इंडिपेंडेंस। ये ज़्यादा रिबेलियस हुआ करते थे। ठीक है, एग्रेसिव पर्सनालिटीज़ थी इनकी। इनमें कौन कौन आता है? लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, आप इसको लाल बाल पाल से भी जान सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, अरबिंदो घोष, राज नारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त। ये एग्जांपल्स हैं। अब आपको बहुत आसानी हो जाएगी, एक्सट्रीमिस्ट जो नहीं है, यहाँ पे नॉट पूछा है। ठीक है, नॉट बहुत लोग मिस कर देते हैं। नॉट एक्सट्रीमिस्ट मतलब मॉडरेट्स, और हमने अभी अभी स्टडी किया है ए ओ ह्यूम जो है वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, वो है मॉडरेट्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह सभा वॉज फॉर्म्ड बाई गांधी एट। सत्याग्रह सभा कहाँ पे बनी थी, जो कि गांधी जी ने बनाई थी? वो बनी थी बॉम्बे में। ठीक है, इट वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट जलियांवाला बाग मीटिंग डैश ऑर्डर द ट्रूप्स टू ओपन फायर। देखो, अगेन जलियांवाला बाग से एक क्वेश्चन देखा गया है।
लेकिन हमने पूरा कॉन्सेप्ट जान लिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लिए उसके बारे में, तो दिस क्वेश्चन इज ईजी फॉर अस. हमें पता है जनरल डायर ने ट्रूप्स को ओपन फायर किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेशल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1920 एट कलकत्ता वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय. जैसे कि मैंने कहा कांग्रेस सेशन सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. 1920 यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा गया है, उसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, लेकिन INC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि INC को पूरा स्टडी कर लो. यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इकट्ठा किए हैं अबाउट INC. हम देख लेते हैं, INC सबसे पहले तो बना था 1885 में, ठीक है, 1885 में. यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, बट आई विल शेयर द PDF विद यू, तो आप इसको आराम से देख पाओगे. ये जब कांग्रेस बना था तब वाइसरॉय कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी वाइज वाइसरॉय कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है. तो यहाँ पे लॉर्ड डेफरिन थे, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के. फर्स्ट सेशन कब हुआ था, दिसंबर 1885 में, कहाँ पे, मुंबई में हुआ था, और कितने लोगों ने अटेंड किया था, इट वॉज़ अटेंडेड बाई 72 डेलीगेट्स. देन कम्स महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर द बेलागांव सेशन ऑफ INC 1924. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है. महात्मा गांधी से रिलेटेड फैक्ट्स और गांधीयन ईरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की बात करें तो है मिसेज एनी बेसेंट, ठीक है. फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करें तो कौन है, मिसेस सरोजनी नायडू. फिर फर्स्ट इंग्लिश मैन टू बिकम प्रेसिडेंट वो है जॉर्ज यूल, ठीक है, जॉर्ज यूल. ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, जो FCAT के रिपीटर्स यहाँ पे होंगे उनको पता होगा. देन द प्रेसिडेंट ऑफ INC एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कौन था, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत कम लोगों को पता होता है, वो है आचार्य JB कृपलानी. नेक्स्ट, मैंने कहा कि कांग्रेस के सेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट तो है बट इतना टाइम नहीं है कि कंटेंट को इकट्ठा करें, कंसाइज तरीके से पढ़े, तो आई एम देयर फॉर यू. मैंने सब कुछ कर रखा है आपके लिए, मैंने हर एक सेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है, उनके प्रेसिडेंट, उनके वेन्यू और उनका इम्पॉर्टेंस यहाँ पे कलेक्टिव वे में दे रखा है. आपको ये PDF कहाँ मिलेगी, PDF आपको मिल जाएगी डिफेंस मेनिया के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है. आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे डिफेंस मेनिया, देर आर मोर देन 11,000 सब्सक्राइबर्स ऑन टेलीग्राम, आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगी. आई एम नॉट रीडिंग आउट ईच एंड एवरी सेशन ऑफ कांग्रेस हियर, क्योंकि इसको याद रखने का भी कोई तरीका नहीं है. आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना, आपको समझ आ जाएगी इसकी क्रोनोलॉजी, ठीक है. ऑल राइट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. ये कुछ मूवमेंट्स हैं जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जो मोपला मूवमेंट है वो हुआ था मालाबार में, ठीक है. अकाली मूवमेंट की बात करें तो वो हुआ था पंजाब में, और ये काशी विद्यापीठ, विद्या से हमें पता चलता है कि ये एजुकेशन से रिलेटेड है. और खिलाफत मूवमेंट, ये टर्की के कैलिफैक्ट मूवमेंट हुए थे उसके अगेंस्ट में हुआ था. द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ए 4321, ठीक है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैच द फॉलोइंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से हमें बहुत सारे फैक्ट्स पता चल जाते हैं. ऑल राइट, नेक्स्ट इज हु डाइड एज पॉलिटिकल प्रिजनर इन लाहौर प्रिजन. ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है. जतिन दास हैं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं टफ वाले जो कम लोगों को पता होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था. 1930 में तो हुआ था, बट एग्जैक्ट डेट लोगों को याद नहीं होती, तो राइट ऑप्शन इज 12th of March 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था. नेक्स्ट, आफ्टर द फेलियर ऑफ सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट गांधी जी लेड एम्फसिस ऑन. उन्होंने सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट के फेल होने के बाद ज़्यादा एम्फसिस दिया था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे, ठीक है. कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे उन्होंने ज़्यादा एम्फसिस किया था. ऑल राइट, नेक्स्ट इज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस.
फेल्ड ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि हुई थी 1930 में, वो फेल हुई थी बिकॉज ऑन द क्वेश्चन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसका अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कब हुआ था, कब डिमांड हुई थी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. यू शुड नो ये कॉन्सेप्ट आया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान. ठीक है, क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वींस विक्टोरियाज फेमस प्रोक्लेमेशन ट्रांसफरिंग अथॉरिटी फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन वॉज मेड फ्रॉम. ठीक है, जो कंप्लीट अथॉरिटी कंपनी से लेकर क्राउन को देनी थी, इट वॉज मेड फ्रॉम अहलाबाद. ठीक है, अहलाबाद में ये हुआ था. नेक्स्ट, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कहाँ से किसने लड़ाई स्टार्ट की थी, कौन लीडर्स थे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ये अवध और लखनऊ में किसने लीड किया था, इसके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीडर्स कौन से हैं. यस, आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, आई एम देयर फॉर यू. मैंने सब कंसाइज कर रखा है आपके लिए. ठीक है, आप यहाँ पे स्टडी करोगे. बैरकपुर में किसने लीड किया था, दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में, बिहार में, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन उठ के आ जाए. ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ तो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगी. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हियर इज बेगम हज़रत महल. ठीक है, उन्होंने लीड किया था अवध और लखनऊ से. ठीक है, इन सारे लीडर्स को विद प्लेस लोकेशन वेन्यू आपको याद रहना चाहिए. नेक्स्ट इज हरबिलास सारदा वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन पैसेज ऑफ फेमस सारदा एक्ट 1930. ये बहुत फेमस यहाँ पे कहा गया है लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है इसके बारे में. ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे आंसर बता दूंगी. इट वॉज अबाउट पीनलाइजेशन ऑफ पार्टीज टू अ मैरिज इन विच गर्ल वॉज बिलो 14 और द बॉय वॉज बिलो 18 ईयर्स. मतलब गर्ल की मैरिज एज 14 थी अकॉर्डिंग टू सारदा एक्ट, और एक अकॉर्डिंग टू सारदा एक्ट बॉयज़ की एज होनी चाहिए 18. ठीक है, जो अब 18 एंड 21 रिस्पेक्टिवली है. ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मास्टर स्ट्रोक ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी, जो उनका मास्टर स्ट्रोक था ब्रिटिश पैरामाउंसी का, वो कौन सा था. वो था सब्सिडायरी अलायंस. ठीक है, सब्सिडायरी अलायंस वॉज वन ऑफ द मोस्ट बिग हिट एंड बिग सिक्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी, जो कि इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने. ठीक है, ये अदर वे राउंड भी पूछा जा सकता है कि सब्सिडायरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था. ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई डेलहौजी. ठीक है, डेलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था. नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ टिपू सुल्तान वेयर ही डाइड वाइल फाइटिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इन 1799 वॉज. कैपिटल ऑफ टिपू सुल्तान ड्यूरिंग फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर वॉज सेरिंगपट्टनम. ठीक है, सेरिंगपट्टनम वॉज द कैपिटल ऑफ टिपू सुल्तान. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह कैंपेन गांधी जी डिड नॉट पार्टिसिपेट डिरेक्टली. डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था. जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया, गांधीयन एरा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इस कुछ ना पढ़ के जाओ तो गांधीयन एरा तो ज़रूर पढ़ लेना. यहाँ पे करेक्ट आंसर इज़ राजकोट सत्याग्रह. राजकोट सत्याग्रह में गांधी जी ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था. ठीक है, अब मैंने आपको बहुत बोला कि क्रोनोलॉजी आती है, तो क्रोनोलॉजी पढ़े कहाँ से. इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको कंपाइल करके दिया है राइट फ्रॉम 1885 जहाँ से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी टिल इंडिपेंडेंस. मैंने हर चीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके दी है. आपको इसको डिटेल में स्टडी करना है, चाहे निमोनिक्स बना के करो या ग्रुप स्टडी करके करो या स्टोरीज बना के करो, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ना सिर्फ एफकैट में, ये आपको सीडीएस, सीएपीएफ, टेरिटोरियल आर्मी, हर किसी में आपसे पूछा जाएगा. एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ इसको पढ़ लोगे ना, 50% मॉडर्न हिस्ट्री निकल जाएगी आपकी. ठीक है, नेक्स्ट, द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉस. कौन था सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस. अगेन कांग्रेस से क्वेश्चन आया है ना.
यहाँ पे थे महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेटिव थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के, जो कि फेल हो गई थी बिकॉज ऑफ ऑन द क्वेश्चंस ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ओके। फिर अब स्लोगन आया है डू और डाई, इट इज़ एसोसिएटेड विद वॉट। देखो जो स्लोगन्स होते हैं, जो वॉर क्राइज होती हैं, जो हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दिया है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उसको एक बार देख लेते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है जय जवान जय किसान, भगत सिंह ने दिया है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद एक और इंसान से एसोसिएटेड है जो कि है हसरत साहब, ठीक है, हसरत साहब, इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद दिया है, बट इट वाज स्पोकन बाय भगत सिंह, ओके। रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने कहा है आई विल नॉट लेट ब्रिटिश टू रूल माई स्टेट, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा है आराम हराम है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था वंदे मातरम, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शॉल हैव इट। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। नेक्स्ट इज मदन मोहन मालवीय, सत्यमेव जयते कहा है इन्होंने, और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा है इफ़ येट योर ब्लड डज नॉट रेज देन इट इज़ वॉटर दैट फ्लोज इन योर वेन्स, फॉर वॉट इज फ्लश ऑफ यूथ इट इज़ नॉट ऑफ सर्विस टू द मदरलैंड, ठीक है। बहुत अच्छी, बहुत तगड़ी और एग्रेसिव लाइन्स दी हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। नेक्स्ट इज सुभाष चंद्र बोस ने कहा है गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम, ओके, जबकि महात्मा गांधी ने कहा है डू और डाई। देखो ये पढ़ के हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डू और डाई ये किसने दिया है, महात्मा गांधी ने। इस तरह से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा हर एक सब्जेक्ट में हमारी बस इस सीरीज को फॉलो करने से। नेक्स्ट इज बारदोली सत्याग्रह वॉज लेड बाय, बारदोली सत्याग्रह जो है वो बहुत एंड इट वॉज लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, हमें क्रोनोलॉजी वाइज पता होना चाहिए था ये कब हुआ है, ये हुआ है 1928 में, ठीक है, 1928 में। नेक्स्ट, वेयर डिड गांधी कॉल द कांग्रेस वर्किंग कमिटी टू अनाउंस सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था पता होना चाहिए, ये हुआ था 1920 में, ठीक है। उन्होंने इसका सस्पेंशन कहाँ पे डिक्लेयर किया था, उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर की थी बारडोली में, ठीक है, बारडोली में। ऑल राइट, नेक्स्ट, हु डिड नॉट अपोज नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन, किसने अपोज नहीं किया था, तो इट वॉज नॉट अपोज बाई नेहरू, ठीक है, नेहरू साहब ने इसको अपोज नहीं किया था। नेक्स्ट, खिलाफत मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाई, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट को यहाँ पर इंडियन मुस्लिम मूवमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, 1919 से लेकर 1924 के बीच हुआ था, इंडियन मुस्लिम मूवमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, एंड इट वॉज ऑर्गेनाइज बाई अली ब्रदर्स, ओके, अली ब्रदर्स। नेक्स्ट, डायर वॉज डैश बाय गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, ही वॉज रिलीव्ड ऑफ हिज सर्विस, ठीक है। डायर साहब का नाम कहाँ पे आता है, जलियांवाला बाग में सेकर के साथ, उन्होंने ऑर्डर किया था ओपन फायर करने को पूरी ट्रूप्स को, ठीक है। हु इज़ नॉट लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन, और हमें पता है ए ओ ह्यूम जो कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, वो थे मॉडरेट, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी कॉल फॉर एन ऑल इंडिया हड़ताल, जिसको हम स्ट्राइक भी कहते हैं, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलित एक्ट। रॉलित एक्ट हमें पता होना चाहिए कब आया था, ये आया था 1919 में, ठीक है, डायरेक्ट आंसर ही आ गया है, और ये डेट पता होनी चाहिए इन डिटेल, जैसे दांडी मार्च में हमें एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए, वैसे ही इसकी भी हमें पता होनी चाहिए 6th of April। ऑल राइट, द होम रूल लीग वॉज फॉर्म ड्यूरिंग, पहले तो ये हमें ईयर पता होना चाहिए, ईयर कौन सा है, 1916। अब क्वेश्चन और आसान हो गया, 1916 में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन कौन सा है, 1914 टू 1918, ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान होम रूल लीग बनी थी। नेक्स्ट, द डायार्की, डायार्की का मतलब क्या होता है, डायार्की इज गवर्नमेंट बाई टू इंडिपेंडेंट बॉडीज, ठीक है, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1921। देखो हमें क्वेश्चन पढ़ के भी फैक्ट्स पता चल रहे हैं, ताकि अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए तो भी हमें आंसर पता हो। 1921 में डायार्की को इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड इट वॉज इन फोर्स टिल विच ईयर, इट वॉज इन फोर्स टिल
1937, ठीक है, 1921 से 37 तक ये चला था. ऑल राइट, नेक्स्ट इज टू विच पर्सनैलिटी गांधी जी गेव द टाइटल दीन बंधु. अब गांधीयन एरा से देखो, यहाँ पे आपको इसी स्लाइड में 50 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन, आपको 5 से 7 क्वेश्चन गांधी जी पे मिल जाएंगे. दीन बंधु कहा था सी एफ एंड्रूज ने, ठीक है, सी एफ एंड्रूज ने कहा था. नेक्स्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU जिसको हम कहते हैं, इट वॉज फाउंडेड बाई सैयद अहमद खान, ठीक है, सैयद अहमद खान ने AMU की घटना की थी. नेक्स्ट, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, ये बोला था भगत सिंह ने, ठीक है, ये बोला भगत सिंह ने था, लेकिन हज़रत साहब का अगर नाम आता है तो आप उसको टिक करोगे, ठीक है, ये सेंटेंस उन्होंने बनाया है. ऑल राइट, नेक्स्ट इज हु वर कंटेम्प्रेरीज ऑफ गुप्ता किंग इन द साउथ. गुप्ता जो डायनेस्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम किए हैं, कॉइन्स से लेके हो जाए, नेपोलियन ऑफ इंडिया हो जाए, या समुद्रगुप्त से क्वेश्चंस आ सकते हैं, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. आप गुप्ता डायनेस्टी को आराम से गो थ्रू कर लेना एक बार. साउथ में उनके कंटेम्प्रेरीज थे राष्ट्रकूतास, ठीक है, राष्ट्रकूतास. फिर हु वॉज द वाइसरॉय व्हेन साइमन कमीशन विजिटेड. साइमन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. साइमन कमीशन कब आया था? ये आया था 1927 में, है ना, ये आया था 1927 में. आपने सुना होगा वो नारा साइमन गो बैक. वो क्यों हुआ था साइमन गो बैक? क्योंकि उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई नहीं था, अपना इंडियन उस कमेटी में नहीं था. साइमन कमीशन की हम बात कर ले तो वाइसरॉय हमारे थे उस वक्त लॉर्ड इरविन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है थोड़ी, ये टोडरमल होगा, ठीक है. टोडरमल वॉज एसोसिएटेड इन अकबर दरबार. अकबर दरबार की बात करें तो 9 जेम्स जो उनके थे, जिनको बेसिकली नवरत्न कहा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, बिल्कुल करेंगे. सबसे पहले हैं बिरबल, जो कि एम्परर के एडवाइज़र थे. फैजी पोएट थे. टोडरमल साहब यहाँ पे फिनेंस मिनिस्टर रहे हैं. मान सिंह वो जनरल हैं. अब्दुल रहीम खान खाना पोएट और एस्ट्रोलॉजर रहे हैं. फ़कीर एजियोदिन विशनरी एडवाइज़र रहे हैं. तानसेन, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक कंपोज़र, म्यूजिशियन और वोकलिस्ट रहे हैं. अब्दुल फैज़न इबन मुबारक जो हैं वो विज़ियर रहे हैं. इसको स्टडी करके हमारा ये क्वेश्चन तो बिल्कुल निकल गया, जो टोडरमल साहब हैं वो थे हमारे फिनेंस मिनिस्टर, ठीक है. ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड डोंट वरी, PDF विल बी शेयर्ड टू यू ऑन टेलीग्राम ग्रुप. नेक्स्ट, महात्मा गांधी लेफ्ट साउथ अफ्रीका टू रिटर्न टू इंडिया इन. साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए थे? वो आए थे 1915. डेट भी मैं आपको बता दूँ, टू बी वेरी प्रिसाइज, 9 जान को आए थे, जिस दिन हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है, 9 जन 1915 में वो भारत वापस आए थे. नेक्स्ट, चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, हु इज़ नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. देखो, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है ना, दादा भाई नरोजी को कहते हैं. इनके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, फैक्ट ये है कि ये फर्स्ट इंडियन थे, ऑफ दैट मैटर ये फर्स्ट एशियन थे जिन्होंने UK पार्लियामेंट में अपने आप को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, फर्स्ट इंडियन. नेक्स्ट, द फर्स्ट कॉन्स्पिशियस रोल ऑफ गांधी इज़ दैट ऑफ. कॉन्स्पिशियस रोल गांधी का क्या है? ही वॉन्ट्स टू रिफॉर्म द सोसाइटी, ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव द सोसाइटी, ठीक है, उनका रोल है एज अ रिफॉर्मर. नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली एज्यूम द टाइटल ऑफ सिकंदर सानी. सिकंदर सानी उन्होंने टाइटल एज्यूम किया था, वो थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है. सिकंदर सानी का मतलब है सेकेंड अलेक्जेंडर, जिनको हम कहते हैं अलेक्जेंडर दी ग्रेट. ओके, ऑल राइट. नेक्स्ट इज बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, वॉज फाउंड बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कैलाश सत्यार्थी जी ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था इन द ईयर ऑफ 1914, ठीक है, 1914. कैलाश सत्यार्थी एंड बचपन बचाओ आंदोलन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट,
who was person behind conversion of East India Company to trading company, ठीक है, from trading company to regional power. पहले वो सिर्फ व्यापार करने आए थे, ट्रेड करने आए थे, वो रीजनल पावर में कन्वर्ट हो गए. उनके पीछे कौन था? उनके पीछे थे लॉर्ड क्लिव, ठीक है, रॉबर्ट क्लिव थे इस पूरे आइडिया के पीछे, ठीक है. नेक्स्ट, हु इंस्क्राइब्ड द नेम ऑफ खलीफा ऑफ बगदाद ऑन हिज कॉइंस, ठीक है. कॉइन से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि फर्स्ट गोल्ड कॉइन, फर्स्ट सिल्वर कॉइन, ठीक है. यहाँ पे देखो जैसे खलीफा ऑफ बगदाद उन्होंने इंस्क्राइब किया था, तो ही वॉज इल्तुतमिश, ठीक है. इल्तुतमिश की बात करें तो वो स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय आर्नोल्ड टॉयबी. आर्नोल्ड टॉयबी बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जिसका नाम है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है. अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे बात करें तो इन्होंने बुक लिखी है मैनकाइंड एंड मदर अर्थ, ठीक है. ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है. ऑल राइट, नेक्स्ट इज हु वॉज फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी. देखो डायनेस्टीज़ की बात करें, एंशियंट डायनेस्टीज़ की, तो उनके फाउंडर, उनके लास्ट जो रहे हैं उनके राइन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पूरा कंपाइल करके दिया है विद डायनेस्टीज़, फाउंडर एंड लास्ट किंग, या तो लास्ट रूलर, ठीक है. तो नंदा का मैं बता दूँ तो ये है महापद्मानंदा, ठीक है. ये फाउंडर है नंदा डायनेस्टी के. आई हैव डन एवरी हार्ड वर्क फॉर यू. आपको बस पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम में अपना बेस्ट परफॉर्म करना है और टॉप सीरीज़ का कंटिन्यूसली रिविजन करना है, ठीक है. आई हैव डन एवरी ग्रेट होमवर्क फॉर यू गाइस. मैंने एक और चीज़ यहाँ पे कंपाइल की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. टेंपल्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. टेंपल्स, उनसे कौन सी डिनेस्टी एसोसिएटेड है और उनका लोकेशन कहाँ पे है. ना सिर्फ एफकैट लेकिन हर एक डिफेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा इसका, ठीक है. नेक्स्ट, चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया. देखो मैंने कहा था ना, नेपोलियन ऑफ इंडिया ये क्वेश्चन आता है जिसको कहते हैं समुद्रगुप्ता. समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है. ये बिलोंग करते हैं गुप्ता डायनेस्टी से, ठीक है. नेक्स्ट, द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हरप्पन साइट्स हैज़ बिन फाउंड अलॉन्ग. ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक ना एक क्वेश्चन हर बार देखा गया है. या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से आता है या तो एक क्वेश्चन आता है वैदिक एज से, ठीक है. तो यहाँ पे ये हो गया. इसको घाघरा हाकरा भी कहते हैं, ठीक है. घाघर हाकरा एरिया से यहाँ पे लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है हरप्पन साइट्स का. नेक्स्ट, बाजीराव वॉज अपॉइंटेड एज पेशवा एट द एज ऑफ 20 अंडर द राइन ऑफ, ठीक है, अंडर द राइन ऑफ छत्रपति साहू महाराज, ठीक है. ये सिर्फ 20 साल के थे जब उन्होंने जब उनको एज अ पेशवा अपॉइंट किया गया था, ठीक है. तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है. होप यू लाइक्ड इट. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ये आपके फ्रेंड्स को भी बहुत बेनिफिट करेगा इन अपकमिंग एफ कैट एग्ज़ाम्स. उसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे न्यू अपग्रेडेड कोर्स लॉन्च हो चुके हैं फॉर एफ कैट 120/21 CDS के लिए, जो कि ना सिर्फ CDS 2 2020 लेकिन CDS 1 2021 भी कवर करेगा. अगर आप दोनों एग्ज़ाम्स को अपियर कर रहे हो, एफकैट और CDS, तो यहाँ पे आपको 4 गुना बेनिफिट मिलने वाला है इनटू 4, क्योंकि ये CDS 2 2020, CDS 1, एफकैट 2 और एफकैट 1 चारों एग्ज़ाम को यहाँ पे कवर करेगा. एंड दिस इज़ दी वन टाइम पेमेंट ओनली जो आप यहाँ पे करोगे, जहाँ पे आपको डिटेल वीडियोस लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलेगी. PDFs, टॉपिक वाइज क्विजेस जो कि ऑनलाइन मेथड से होगा, ठीक है, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन बैंक्स, वीकली फीडबैक के लिए वीडियो कॉल, रिविजन क्लासेस और एंट्री टू ऑल चैट ग्रुप्स मिल जाएगा. दिस इज़ नॉट द व्हाट्सएप चैट और टेलीग्राम चैट. हमने आपकी सिक्योरिटी के लिए ऐप पे ही चैटिंग का ऑप्शन अवेलेबल कराया है सो दैट आप अपने डाउट्स क्लियर कर सको, लेकिन आपका नंबर किसी के साथ कभी भी शेयर ना हो. दिस इज़ फॉर योर सिक्योरिटी पर्पज़, ठीक है. उसी के साथ हमारा मैराथन क्लासेस चल रहा है, जो कि 7 weeks लाइव प्रोग्राम है, ठीक है, लाइव प्रोग्राम CDS एग्ज़ाम्स के लिए. आप इसको एनरोल कर सकते हो, जो कि ओनली अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट विथ
आर सी डी एस रिलेटेड कोर्सेज विद दिस कोर्स एंड विद दिस कोर्स आपको ये पूरा लाइव प्रोग्राम मिलेगा। हमारी मैराथन क्लासेस इसमें लगती है और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। अगर आपने सी डी एस का रिविजन नहीं किया है या तो आपकी बहुत सारी पढ़ाई बची है तो हाउसेज ओपन टू यू, डू एनरोल इट राइट नाउ। मेरे लिए कोई भी डाउट हो तो आप डिफेंस मेनिया ऐप पे मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरी हो अबाउट एफकैट, अबाउट सी डी एस, अबाउट एनी डिफेंस एग्जाम्स, यू कैन आस्क मी ऑन डिफेंस मेनिया प्लेटफॉर्म। सो आई विल टेक लीव नाउ, यू स्टडी रिवाइज एंड रिवाइज मोर। तब तक के लिए जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।